हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लिखेंगे ईसीजीसी और डीआईसीजीसी। क्या लिखा फटाफट बोलो, ईसीजीसी और डीआईसीजीसी। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो ऐसा लग रहा जैसे कोई ऑफिसर हो, क्या है ये डीआईसीजीसी और ईसीजीसी, क्या है ये डीआईसीजीसी ईसीजीसी? बच्चों डीआईसीजीसी ईसीजीसी ये क्या चीज होते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट हैं? बिल्कुल बेटा ये ऑफिसर्स नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है फटाफट बोलो, ऑर्गेनाइजेशन है। सर कौन से ऑर्गेनाइजेशन है ये? फुल फॉर्म लिख ले पहले तो आप। सबसे पहले डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जबकि ईसीजीसी का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। कर लिया नोट डाउन बच्चों? हेलो, व्हाट इज डीआईसीजीसी, व्हाट इज ईसीजीसी? तो मैंने बोला डीआईसीजीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सर ये क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया, बोथ आर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन है। डीआईसीजीसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ईसीजीसी भी हमारा क्या है फटाफट बोलो, एक ऑर्गेनाइजेशन है। डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। क्लियर? ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट बना करके क्रिएट किए गए हैं। मतलब इट इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट बाय थ्रू स्पेशल एक्ट। इनके लिए स्पेशल एक्ट है, ईसीजीसी एक्ट और डीआईसीजीसी एक्ट। क्या ये बात क्लियर हुआ? हेलो, बिल्कुल बेटा, लाइक आईसीएआई, जैसा हमारे आईसीआई का स्पेशल एक्ट है वैसे इनके भी स्पेशल एक्ट हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए गए। अब सवाल ही उठता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाए गए, क्या जरूरत थी इनको बनाने के लिए? तो हम दोनों को अलग-अलग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या है, डीआईसीजीसी एक्ट कैसे काम करता है और इसके अंदर इसको बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, वो सारी बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा मैं इसकी आपको डिटेल में बात बता दूं, डीआईसीजीसी जो है बेटा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 100% सब्सिडरी है बेटा किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। किसकी फटाफट बोलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इट इज स्टेबलिस्ड, ये स्टेबलिस्ड हुआ था 15 जुलाई 1978 में, कौन से एक्ट के थ्रू, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। जो डीआईसीजीसी एक्ट 1961 था उसके अंदर इसको 15 जुलाई 1978 में जनरेट किया गया, बनाया गया और इसके सारे शेयर होल्ड करता है आरबीआई। कौन होल्ड करता है फटाफट बोलो, आरबीआई। हेलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है बेटा। फॉर्म हुए अगर हम बात करें तो 43 ईयर्स से ज्यादा समय हो चुका है, इसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है, जो हमारे गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, वही इसके बेटा एमडी होते हैं। और मैंने आपसे बोला इसकी वेबसाइट अगर आपको देखना हो तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी DICGC.ORGC.IN। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, आप वहां पर जाके इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर सकते हो। तो ये तो हो गई बेटा इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात, की कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ एस्टेब्लिशमेंट है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेड ऑफिस है, जैसे कि आरबीआई का हेड ऑफिस भी मुंबई महाराष्ट्र में, वैसे ही इसका भी हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ही है। अब सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बनाया क्यों, पहले तो ये बताओ आप। बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले हम इसी की चर्चा करते हैं, व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन,
क्या जरूरत थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो बच्चों हम बैंक के अंदर पब्लिक क्या पे क्या करती है, सारे बच्चे बताएं, बैंक के अंदर पब्लिक क्या जमा करती है, बोलो, पैसे, कैश डिपॉजिट करती है, करती है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल, बैंक के अंदर हमारी पब्लिक पैसा डिपॉजिट करती है, करती है बच्चों। पब्लिक ने बहुत सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया और कल को ये हो जाए कि बैंक जो है आपका पैसा लेके भाग जाए या बैंक मिले ही ना। कई बार ऐसा हुआ है, लोगों ने बैंक स्टेब्लिश किए, पैसा डिपॉजिट कराया और गायब हो गया बैंक, रातों रात एमडी एमडी पैसा लेके भाग गए। सारे बच्चे बताओ, अगर ऐसा हो गया तो पब्लिक का तो नुकसान हो जाएगा, बोलो। तो पब्लिक क्या करेगी अगर बैंक ही भाग गया, बैंक गायब हो गया, तो बताओ बेटा पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक की सिक्योरिटी क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट, बोलो। हेलो, क्या सोचते हो बच्चों, अगर ये भाग गया, एक्चुअल में बैंक भाग गया, तो फिर पब्लिक का पैसा कौन लौटाएगा। तो सबसे पहले बेटा जब इंदिरा गांधी थी तो उस समय बेटा बैंक स्टेब्लिश हुए, बैंकों को बेटा नेशनलाइजेशन किया गया, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे बैंक फिर भी थे, वो बैंक कई बार पब्लिक का पैसा लेके भाग रहे थे, तो लोगों का विश्वास कम हो रहा था बैंकों के ऊपर और लोग डिपॉजिट करने नहीं जा रहे थे बैंक में कि अगर हमने पैसा डिपॉजिट किया और हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा, लोग पैसे ही जमा नहीं कर रहे थे। तो एक सिक्योरिटी देने के लिए डिपॉजिटर्स को सिक्योरिटी देने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया गया, किसको, फटाफट बोलो, डीआईसीजीसी को। डीआईसीजीसी डिपॉजिटर को सिक्योरिटी देता है, गारंटी देता है कि तुम बैंक में पैसा जमा करो, अगर कल को बैंक चला गया या डूब जाता है तो चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा। मतलब जो आप बैंक में पैसा जमा करते हो उसके इंश्योरेंस का काम किसको सौंपा गया है, फटाफट बोलो, टीआईसीजीसी को सौंपा। इसको बोला गया है भैया तुम इनके हितों की रक्षा करो, कल को बैंक डूब जाए तो आप पैसा लौटा देना। मतलब एक तरह की डीआईसीजीसी इंश्योरेंस कंपनी है जो आपका पैसा बैंक में जो आप डिपॉजिट करते हो उसकी सेफ्टी के लिए आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया है। बात समझ में आई, बोलो। बता रहा हूं बेटा कौन कौन से बैंकों का होता है, वो भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, चिंता मत करो, बट इतना क्लियर हो गया क्यों बनाया गया, पहले तो ये समझ में आया। हेलो सर, चलो हमको समझ में आ गया, पब्लिक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस ये करते हैं, लेकिन प्रीमियम कौन पे करेगा। भाई हमने पढ़ा इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना पड़ती है, तो प्रीमियम कौन देगा, पब्लिक देगी इस डिपॉजिट का प्रीमियम या बैंक देंगे। तो आरबीआई ने बेटा बैंकों के ऊपर वर्डन रखा है कि आपको कंपलसरी है डिपॉजिट का इंश्योरेंस करवाना डीआईसीजीसी से, और प्रीमियम आप ही दोगे, पब्लिक बियर नहीं करेगी। समझ में आया कि नहीं, बोलो। हेलो, तो डीआईसीजीसी क्या करता है, फटाफट बोलो, पब्लिक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस करता है। कौन कराते हैं बेटा, बैंक कराते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि उनका पैसा इंश्योर्ड है, कई बार बैंक भाग जाते हैं, डूब जाते हैं, तो लोग सोचते हैं हमारा पैसा डूब गया और नीचे रोड पे जाके बैठ जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको कहाँ अप्लाई कर देना चाहिए, फटाफट बोलो डीआईसीजीसी में, कि भैया हमारा पैसा डूब गया, हमारा पैसा दिलाओ, डीआईसीजीसी आपको पूरा पेमेंट करेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। हेलो, तो बच्चों समझ में आ गया डीआईसीजीसी क्या करता है। तो डीआईसीजीसी वर्क करता है जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस कंपनी, बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी के जैसा ही डील करता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। किसका इंश्योरेंस कर रहा है बेटा, बैंकों के अंदर जो पब्लिक ने पैसा क्या किया है, डिपॉजिट किया है। ओके, हेलो। अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, सर कौन कौन से बैंक इससे कवर्ड होंगे। बिल्कुल हम उस पे आ जाते हैं, कौन कौन से बैंक इस पर कवर्ड होंगे, हु इंश्योर्ड। तो बेटा सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट्स, आरआरबीज, इसके अलावा बेटा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लगभग सारे बैंक इससे कवर्ड है।
कोई नहीं छूटता, केवल एनबीएफसी को छोड़ के। किसको छोड़ के फटाफट बोलो, एनबीएफसी। कौन कौन सा डिपॉजिट इंश्योर्ड होगा आपका? तो सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, कोई सी भी अकाउंट में आपने पैसा जमा कर रखा है, सब कवर्ड है। कितने रुपए का इंश्योरेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर्ड है? सर हमने 10 लाख रुपए जमा कर रखा है, सर हमने 2 लाख रुपए जमा कर रखा है। तो बेटा ये केवल 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस कवर करते हैं। 5 लाख से अगर ज्यादा है तो वो कवर्ड नहीं होगा। कितने रुपए तक का इंश्योरेंस कवर कर रहा है डीआईसीजीसी, सारे बच्चे बताएं। हेलो, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर्ड है पर बैंक, पर बैंक, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, पर बैंक। एक बैंक में 5 लाख रुपए। हाँ, अगर आपके दो बैंक हैं, मान लो आपने एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया दोनों में जमा कर रखा है, तो आपका अमाउंट 10 लाख हो जाएगा इंश्योरेंस का। अगर आपने तीन बैंक में जमा कर रखा है तो 15 लाख हो जाएगी आपकी लिमिट। मतलब हर एक बैंक में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। सर मैंने 2 लाख जमा कर रखी, तो आप फुल्ली सिक्योर हो, डरने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? तो क्या शिक्षा मिली यहां से कि हमको कभी भी किसी भी एक बैंक में 5 लाख से ऊपर डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। अगर हमको 5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करना है तो अदर बैंक में जमा करो। जितने ज्यादा बैंक होंगे आपका इंश्योरेंस अमाउंट उतना ज्यादा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? हेलो हेलो। अब यहां एक चीज और बोलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ध्यान रखना बेटा। ये 4 फरवरी 2020 के पहले 1 लाख रुपए का अमाउंट था, रिसेंटली 4 फरवरी 2020 में बेटा इसमें अमेंडमेंट आया और ये 5 लाख हो गया। आपको पुरानी बुक्स में 1 लाख रुपए अभी भी मिलेगा, बट अभी रिसेंटली कितना कर दिया गया है फटाफट बोलो, 5 लाख। याद रहेगा? हेलो। अब इंपॉर्टेंट बात, सर मेरा इंश्योरेंस है डीआईसीजीसी के अंदर, माना मेरा इंश्योरेंस है डीआईसीजीसी के अंदर, लेकिन मैंने बैंक से लोन भी ले रखा है और बैंक भाग गया या बैंक डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हुआ, तो डीआईसीजीसी जब पेमेंट करेगा तो बैंक के पास राइट रहेगा, बैंक उससे आपके पहले लोन का अमाउंट सेट ऑफ करेगा, फिर लोन का अमाउंट सेट ऑफ करने के बाद बचा हुआ पेमेंट ही आपको देगा। मतलब बैंक हैज राइट टू सेट ऑफ द ड्यूज, जो उसके ड्यूज होते हैं पहले वो सेट ऑफ करेगा, उसके बाद बचा हुआ पेमेंट ही आपको देगा। क्लियर? सर कितने पीरियड में डीआईसीजीसी पेमेंट कर देगा अगर मैं अप्लाई करूं तो? विद इन अ 2 मंथ, 2 महीने के अंदर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो। हेलो हेलो बच्चों। विद इन अ 2 मंथ में आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। सर डीआईसीजीसी को प्रीमियम देना पड़ता है, कौन देता है डीआईसीजीसी को प्रीमियम फटाफट बोलो? बैंक, बैंक देंगे डीआईसीजीसी को प्रीमियम। सर कितना प्रीमियम देंगे डीआईसीजीसी को बैंक? बेटा बैंक जो डिपॉजिट्स पर प्रीमियम पे करता है डीआईसीजीसी को, वो है बेटा 12 पैसा पर 100, हर 100 रुपए पर 12 पैसा, बसरते जो 100 रुपए आपने जमा किया है वो ऑन एन एवरेज कम से कम 6 महीने तक बैंक के पास रहे तो। क्लियर? तो ही उसको प्रीमियम पे करना पड़ती है। सारे बच्चे बताओ, ये प्रीमियम जो बैंक डीआईसीजीसी को दे रहा है, ये बैंक की इनकम है कि एक्सपेंसेस बन जाएगा? बोलो, एक्सपेंसेस। तो हेडिंग डाल लेंगे, प्रीमियम ऑन डीआईसीजीसी ईसीजीसी, जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे, बैंक जो भी प्रीमियम देगा, ये बैंक की क्या होगा बेटा? एक्सपेंसेस होगा। कितना देता है? मैंने बोला पर 100 रुपीज पर 12 पैसे की प्रीमियम देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बसरते वो अमाउंट ऑन एन एवरेज बैंक के पास 6 महीने डिपॉजिट रहा हो। क्लियर बच्चों? हेलो। अब यहां एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, सर इनडायरेक्टली तो आरबीआई है इसका, इसके बिहाव पर। बिल्कुल बेटा, आरबीआई ही सारा काम कर रहा है, बिल्कुल आरबीआई कर रहा है बेटा। पहले 1 लाख रुपए थी, अब 5 लाख हुई है बजट में, है ना? हेलो। यस बेटा। हेलो
ओके हाँ हाँ कुछ और पूछ रहे थे क्या? और कुछ डाउट बेटा DICGC से रिलेटेड? 6 महीने से कम हुआ तो उसमें प्रीमियम आपको बैंक को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपका अमाउंट सिक्योर्ड रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बैंक उसका प्रीमियम नहीं पे करेगी, मतलब बैंक को ये नहीं बोला गया कि रोज 100 रुपये जो जमा हो रहा है उसका 12 पासे प्रीमियम जमा कर दो, तो बेचारा बैंक तो लूट पिट जाएगा कि 1000 रुपये उसने जमा किए, दूसरे दिन निकाल लिए, बैंक का प्रीमियम भी चला गया, आपका नुकसान हो जाएगा बैंक का। तो समझ में आ रहा कि नहीं? तो जो बैंक में पैसा जमा है उस पर प्रीमियम देना है। आपका अमाउंट सिक्योर्ड है, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी सिक्योरिटी आपके पास है, आपने पैसा जमा किया, कल ही बैंक डूब गया तो आपका अमाउंट सिक्योर्ड है। क्लियर? हेलो, बस ये ध्यान रखना है। तो ये था बेटा डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सर सर एक और बता बच गया, ECGC। ECGC क्या है? ECGC बेटा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। इसका हेड ऑफिस भी मुंबई के अंदर है। ये कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, ये RBI कंट्रोल नहीं करता। कौन कंट्रोल करती है फटाफट बोलो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सर पर्पस क्या है? ये इंडियन एक्सपोर्टर को, जो इंडियन एक्सपोर्टर होते हैं जिन्होंने जिन्होंने इंडिया से एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनका इंश्योरेंस करता है। सर क्या इंश्योरेंस करता है? सारे बच्चे बताओ, अगर मैं इंडिया में रहता हूं और इंडिया में रहते हुए मैं यहां से कोई गुड्स फॉरेन बायर को, ओवरसीज बायर को सेल आउट कर रहा हूं, मतलब मैं अमाउंट एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरे को किस किस बात का डर है? सारे बच्चे बताओ, मेरे को किस बात का डर है कि मेरा पैसा मेरे को वापस मिलेगा कि नहीं, इस बात का डर रहेगा कि नहीं, बोलो। हेलो, अरे हाँ है ना, मैंने यहां से गुड्स भेजा और कल को पैसा आया ही नहीं, मेरा पैसा डूब गया, तो क्या मैं आगे एक्सपोर्ट करूंगा? 2-3 बार ऐसा हो गया कि मैंने एक्सपोर्ट किया, मेरा पैसा डूब गया, तो फिर बेटा मैं तो एक्सपोर्ट बंद कर दूंगा कि मेरे को एक्सपोर्ट करना ही नहीं, नुकसान का सौदा है। अरे हाँ है ना, सर लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेंगे। बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट तो एक्सपोर्टर, सॉरी आपका एक्सपोर्टर प्रोवाइड करता है, इंपोर्टर प्रोवाइड करता है, इंपोर्टर के बैंक से प्रोवाइड करता है। कल को इंपोर्टर का बैंक भी बेटा फॉरेन में है और वो प्रोवाइड कर रहा है, कल को बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट के पैसा आने में भी दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैं क्या करूंगा? तो बेटा उसके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, वो आपकी हर एक चीज में हेल्प करता है। क्या क्या हेल्प करेगा? वो बोलेगा कितने रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हो, चलो आपका पैसा नहीं आया तो हम उसकी गारंटी दे देते हैं। दूसरी चीज, एक्सपोर्ट किसको करना चाहिए, करना भी चाहिए उस बंदे को एक्सपोर्ट या नहीं, उसकी सिबिल स्कोर क्या है, ये भी बेटा वो सामने वाला कैलकुलेट करके एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आपको बता देगा कि भैया ये अच्छा बंदा है इसको एक्सपोर्ट करो, ये खराब बंदा है इसको एक्सपोर्ट मत करो। बैड डेट की रिकवरी कराने में आपकी हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस देगा कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। ये सारे काम कौन करता है फटाफट बोलो? ECGC करता है। क्लियर बच्चों? हेलो हेलो, तो ये सारे काम कौन करता है बेटा? ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन करता है। तो अब बच्चों का दिमाग, बेटा किसी का माइक में से आवाज आ रही, शायद ऋषि तुम्हारे यहां से आवाज आ रही, तो इंपॉर्टेंट बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ECGC हेल्प करता है एक्सपोर्ट में। बच्चों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ECGC को इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता होगा। बिल्कुल बेटा, ECGC को इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, सेम DICGC को भी इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है। सर इस चैप्टर में बैंकिंग कंपनीज में हमारे लिए इनका क्या यूज है? अब हमारे हमारे चैप्टर पाते हैं, हमारे लिए क्या है बेटा? कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सेक्टर को बढ़ाना चाहती है, कुछ सेक्टर को बढ़ाना चाहती है। क्या ऐसा होता है? कुछ सेक्टर को बढ़ाना है, जैसे कृषि सेक्टर को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है, लोकल लेवल के जो बेटा मैन्युफैक्चरर हैं उनको बढ़ावा देना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है एग्रीकल्चर के लोन बांटो, लोकल मैन्युफैक्चरर को लोन बांटो, विदाउट गारंटी बांटो, विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटीज बांटो, बांटो पैसा किसको? फटाफट बोलो किसको बोलती है? बैंक को। बैंक बोलता अच्छा हम
लोन तो बांट देंगे लेकिन हमारा एनपी हो गया तो फिर क्या होगा, हमारा पैसा उसने नहीं लौटाया तो क्या होगा, क्या बैंक ऐसा बोल सकता है? बोलो हाँ या ना। हेलो, तो बैंक बोलता है हमारा पैसा लूट गया पिट गया तो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती नहीं, इन सेक्टर को बढ़ाना है, आप तो लोन बांटो। बैंक बोलता कोलेटरल सिक्योरिटी, बोले कुछ नहीं लेना, विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी बांटो। बैंक बोलता हमारा पैसा डूब गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं चिंता मत करो, ये जो लोन्स हैं एडवांस आप बांट रहे हो इस पर हमारी गारंटी रहेगी। से गारंटी रहेगी मतलब, बोले हमारी गारंटी रहेगी, हम आपको पैसा दिलवाएंगे अगर आपका लोन डूब गया तो, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, जो भी लोन आप दे रहे हो, जो भी लोन इन सेक्टर को आप बांट रहे हो उस पर हमारी सिक्योरिटी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रहेगी। तो बैंक बोलता है अच्छा, गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, आज मोदी गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, परसों आपकी गवर्नमेंट आ गई, किसी और गवर्नमेंट आ गई, तो हम क्या करेंगे? उनने बोल दिया, उनने उन गारंटी उन गवर्नमेंट ने दी थी, हम तो मानते ही नहीं, फालतू की बातें मत करो। बोले हम गारंटी दे रहे हैं मतलब हम आपको इन ईसीजीसी और डीआईसीजीसी से, ईसीजीसी और डीआईसीजीसी से गारंटी दिलवा रहे हैं, ये लोग तो रहेंगे भले गवर्नमेंट आती जाए आ जाए चली जाए। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो कई लोन पर ईसीजीसी और डीआईसीजीसी वाले लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के लिए गारंटी देते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो बच्चों अगर ईसीजीसी डीआईसीजीसी की गारंटी है किसी लोन्स एंड एडवांस पर, जो बैंक ने लोन्स एंड एडवांस बांटे हैं, इन लोन्स एंड एडवांस पर बैंक की, बैंक को किसने गारंटी दे दी है? सारे बच्चे बताओ, बैंक को किस किसने गारंटी दे दी है, जल्दी से बताएं। ईसीजीसी और डीआईसीजीसी, जैसे मान लो विजय माल्या जी को लोन दिया था और विजय माल्या जी भाग गए हैं, लेकिन गारंटी ईसीजीसी डीआईसीजीसी ने दे रखी है, तो बच्चों बताओ क्या बैंक का पैसा डूबेगा फिर? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे हाँ, यहां बैंक का पैसा नहीं डूबता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो कुछ लोन्स एडवांस पर ईसीजीसी डीआईसीजीसी गारंटी देते हैं, डीआईसीजीसी हर एक तरह के एडवांसेस पर देती है, जनरली ईसीजीसी जो है एक्सपोर्ट पर जो लोन्स एडवांस दिए गए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर को भी बैंक को बढ़ाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बढ़वाना ताकि फॉरेन मनी इंडिया आए, तो बेटा उस पर भी गारंटी ये लोग बैंक देते हैं। तो बेटा जो गारंटी ईसीजीसी डीआईसीजीसी ने दी है जिन लोन्स एडवांस पर, वो पैसा कभी भी डूबता नहीं है। समझ में आया? बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ईसीजीसी और डीआईसीजीसी गारंटी दी गई है, उस क्वेश्चन में प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होगा वो हमारे चैप्टर में हमको पढ़ना है, बाकी ईसीजीसी और डीआईसीजीसी से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गारंटी दी हुई है ईसीजीसी डीआईसीजीसी ने, तो प्रोविजन का कैलकुलेशन कैसे होगा उसके क्वेश्चन हमारे कोर्स में है। क्लियर बच्चों? हेलो। तो चलो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर करके बताता हूं, ईसीजीसी डीआईसीजीसी का एक क्वेश्चन देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ईसीजीसी और कौन सा, फटाफट बोलो, डीआईसीजीसी गारंटी देखें बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्वेश्चन है, एक बैलेंस आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 मार्च 2012 को, डीआईसीजीसी कवर है 50%, 50% ही गारंटी दी है लोन की, पूरी गारंटी नहीं दे रखी है, सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है 30 लाख की, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है 20 लाख की। आप प्रोविजन बना रहे हो, डेट ऑफ प्रोविजन है आपके पास, जिस दिन आपको प्रोविजन बनाना है, डेट ऑफ प्रोविजन या बैलेंस शीट डेट आपके पास है 31 मार्च 2015। सारे बच्चे तो पहले ये बताएंगे कि ये लोन कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा। 31 मार्च 2012 से ये आउटस्टैंडिंग चल रहा है, सबसे पहले तो इसकी कैटेगरी डिसाइड करो, कब से चल रहा है बेटा, 31 मार्च 2012 से आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब बेटा ये हमारी ड्यू डेट हो गई। बोलो।
हेलो। और आज आप सारे बच्चे कहाँ खड़े हो? 31 मार्च 2015 में सारे बच्चे बताएं कितने साल हो गए हैं, पहले तो बताएं, फटाफट बोलो कितने साल हो गए हैं। हाँ, 3 साल हो गए क्या बच्चों? 3 साल मतलब बेटा 36 मंथ हो गए, 36 महीने हो गए। 36 महीने से आउटस्टैंडिंग है, बताओ 3 महीने बाद तो ये क्या डिक्लेयर हुआ होगा? मतलब 33 महीने हो गए एनपीए डिक्लेयर हुए, बोलो। 33 महीने में से 12 महीने तक ये क्या रहा होगा, फटाफट बोलो। सब स्टैंडर्ड कहा आता रहा होगा, तो बताओ बेटा कितना बच गया यहाँ पर? 21 मंथ हो गए क्या डिक्लेयर हुए? डाउटफुल डिक्लेयर हुए, 21 मंथ हो गए हैं, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? 12 महीने से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा, लेकिन 3 साल से कम, तो बताओ ये कौन सी कैटेगरी का लोन कहलाना? D2। ये तो नामकरण संस्कार हो गया। अब मेरे को निकालना है प्रोविजन, तो कैलकुलेशन आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स निकालते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बताओ लोन्स एंड एडवांस कितना है। तो टर्म लोन दे रखा हमने 70 लाख रुपए का, 70 का, इसमें से माइनस कर देंगे सिक्योर्ड अमाउंट। बताओ सिक्योरिटी कितनी ले रखी है आपने? सिक्योरिटी इसके लिए ले रखी थी 30 लाख की, लेकिन जिसकी वैल्यू आप केवल 20 लाख ही रियलाइज होगी। बताओ कितना लूं, 30 लाख लूं, 20 लाख लूं? बताओ कितना लूं? 20 लाख, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जितना है इतना तो मेरे को मिल जाएगा। 20 लाख रुपये सिक्योर्ड हो गया 70 में से, इसका मतलब कितना मेरा डूब सकता है बताएं? 50 लाख मेरा डूब सकता है। क्या ये सभी बच्चे मानते हैं कि 50 लाख मेरा डूब सकता है? बोलो। अच्छा, जो 50 लाख डूबेगा, उस 50 लाख के डूबने में बताएं बेटा मेरे को किसी ने गारंटी दिलवाई है DICGC ECGC से? कितनी गारंटी दिलवाई है DICGC ECGC से? बोलें, DICGC ECGC ने कवर कर रखा है कितने परसेंट? मतलब 50 का 50% तो ये लोग दे देंगे, मतलब कितने लाख का पेमेंट ये कर देंगे, बोलो। तो फिर मेरा अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना आया? अनसिक्योर्ड पोर्शन अनसिक्योर्ड अमाउंट कितना हो गया बेटा? 25 आ गया। बोलो कौन से अमाउंट पर प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है, जिस पे कोई डर ही नहीं है, 0% चांसेस है आपका डूबने का? बताओ कौन से अमाउंट पे कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे कौन से अमाउंट पे कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, बोलो। वेरी वेरी गुड बेटा, इस अमाउंट पर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, इस पर कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है। मतलब प्रोविजन किस पे बनेगा? प्रोविजन बनेगा बेटा सिक्योर्ड पोर्शन और अनसिक्योर्ड पोर्शन पर। किस पर? फटाफट बोलो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन पर। इज दैट क्लियर? बोलो। हेलो, 25 पे प्रोविजन बनेगा ही नहीं, मतलब टोटल 70 है, 70 में से 25 पे प्रोविजन नहीं बनेगा, तो बनेगा कितने पर बेटा? 45 पर। और 45 में कितना पोर्शन सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, बस उस पे कैलकुलेशंस होंगी। तो बताओ बच्चों, जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो ये मेरी डाउटफुल टू कैटेगरी में है, और डाउटफुल टू कैटेगरी में सिक्योर्ड पोर्शन है 20 का और अनसिक्योर्ड पोर्शन है 25 का। बताओ इस पर रेट क्या रहेगी, इस पे क्या रेट रहेगी? बताओ बेटा, D2 में इस पर रेट 40% रहेगी और अनसिक्योर्ड पर 100% रहेगी। बताओ बच्चों प्रोविजन का अमाउंट कितना आएगा PFDD? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, PFDD का अमाउंट कितना आएगा, बोलो। 8 और 25, टोटल मिला के प्रोविजन का अमाउंट कितना आएगा? 33। ये कैलकुलेशन हो गया PFDD।
सारे बच्चे बताएं क्या समझ में आया अगर ईसीजीसी डीआईसीजीसी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिलवा दी है तो हम जो अमाउंट डूबने वाला होगा उसमें से ईसीजीसी डीआईसीजीसी कवर माइनस कर देंगे। कवर माइनस करने के बाद जितना पोर्शन बचेगा बस वो अमाउंट ही अनसिक्योर्ड पोर्शन कहलाएगा और उस पर प्रोविजन बनाएगा, लेकिन डीआईसीजीसी कवर पर कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। समझ में आ गया क्या बेटा? सिक्योर्ड, सिक्योर्ड पे क्यों बनाया है? हे भगवान, हम पढ़ चुके हैं सिक्योर्ड का प्रोविजन क्यों बनाते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा आपका कोर्ट में केस चल रहा है, पता नहीं सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो डूब भी सकता है 20 लाख, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और सिक्योर्ड की रेट भी याद करके आ चुके हैं। आ गए हैं कि नहीं? क्लियर? लेकिन ये जो ईसीजीसी वाला है ये पैसा कभी भी डूबने वाला नहीं है, ये तो ये दे ही देंगे, इसलिए इस पे प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का कैलकुलेशन इस तरह से होगा। ध्यान रखना हमारे कोर्स में बस इतना ईसीजीसी डीआईसीजीसी है, इससे ज़्यादा हमको इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, हेलो, तो चलो मिलते हैं कल, इतना आप पढ़ के आओगे। बाय बाय, बाय बच्चों।